नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुनाइट। मैं हूँ स्वाति रायना। प्रधानमंत्री कल से 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। इस दौरान पीएम पुर्तगाल, अमेरिका और नीदरलैंड की यात्रा करेंगे। सबकी निगाहें 26 जून को होने वाली मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर टिकी हुई होगी। रिपोर्ट। अभी की बार ट्रंप सरकार। डोनाल्ड ट्रंप का ये चुनावी नारा ये बताने के लिए काफी था कि वो पीएम मोदी से कितने प्रभावित हैं। और अब जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, सबकी निगाहें मोदी और ट्रंप की मीटिंग पर टिकी हैं। पीएम मोदी 24 जून से 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं, जिसमें वो सबसे पहले पुर्तगाल का दौरा करेंगे। पुर्तगाल में पीएम मोदी पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा से भी मुलाकात करेंगे और 25 जून को अमेरिका जाएंगे। मोदी अमेरिका में 2 दिन रहेंगे और 26 जून को वो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता फोन पर तो कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद ये मोदी का पहला अमेरिकी दौरा है और पूरी दुनिया की निगाहें इस हाई वोल्टेज मीटिंग पर टिकी हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे, साथ ही कारोबारियों से भी बातचीत करेंगे। 2 दिन की अमेरिका यात्रा के बाद पीएम मोदी 27 जून को नीदरलैंड्स के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले ही अमेरिका उनके स्वागत में जुट गया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हीथर नॉट ने कहा कि अमेरिका पीएम मोदी के दौरे का इंतजार कर रहा है। ये दौरा अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों को और मजबूत करेगा। मोदी के दौरे से पहले अमेरिका ने भारत को 22 गार्जियन ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है। ये ऐसी पहली डील है जो अमेरिका ने किसी गैर नाटो सदस्य देश के साथ की है। दोनों नेताओं के बीच कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। इनमें पेरिस जलवायु समझौता, H-1B वीजा नियम, NSG मेंबरशिप, आतंकवाद, सैन्य समझौते और ट्रेड अहम है। आपको बता दें कि अमेरिका ने खुद को पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर लिया है। अपने कदम को सही ठहराते हुए ट्रंप ने भारत और चीन पर निशाना साधते हुए कहा था कि समझौते से दोनों देशों को सबसे अधिक फायदा हुआ है, जबकि अमेरिका के साथ नाइंसाफी हुई। गौरव अग्रवाल, जी मीडिया।